प्रिय मित्रों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस आस्था प्यार स्नेह के साथ आप लोग मेरे कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, मेरा भी पूरा प्रयास है कि अपने छोटे छोटे वीडियो प्रोग्राम के माध्यम से आपको अधिक से अधिक कुंडली का ज्ञान प्राप्त कराऊं, कुंडली देखने का ज्ञान प्राप्त कराऊं। आप लोग इसी स्नेह प्यार के साथ मेरे प्रोग्राम को देखते रहें, खुद अपनी कुंडली देखने के ज्ञाता हो जाएंगे। आज आपके सामने एक वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं कि शनि केतु ग्रह की युक्ति किन किन भावों में राजा से रंक बना देता है। तो बहुत अच्छा वीडियो है, शनि केतु का युक्ति अच्छा भी होता बुरा भी होता। जिसकी कुंडली में लग्न में शनि केतु की युक्ति हो, ऐसे लोग का मानसिकता खराब हो जाती है, ऐसे लोग का पारिवारिक जीवन नहीं बन पाता है, शादी विवाह में रुकावट आती है, ऐसे लोग शंकित होते हैं, दुष्ट विचार के होते हैं। जिसकी कुंडली में लग्न से तीसरे भाव में शनि केतु की युक्ति हो, ऐसे लोग माता पिता के दिए हुए जमीन जायदाद को बर्बाद कर देते हैं, पारिवारिक जमीन जायदाद के लिए केस मुकदमा लड़ते हैं, कोर्ट कचहरी जाते हैं, हमेशा इनका जीवन संघर्ष में व्यतीत हो जाता है, कभी सफल नहीं होते। जिसकी कुंडली में लग्न से छठवें भाव में शनि केतु की युक्ति हो, ऐसे लोग शत्रु अधिक पैदा करते हैं, ऐसे लोग कि सोच गंदी होती है, सेक्सी विचार के होते हैं, बिना वजह उलझन पैदा करते हैं और हमेशा अपने जीवन में संघर्ष ही संघर्ष करते हैं। जिसकी कुंडली में लग्न से आठवें भाव में शनि केतु की युक्ति हो, ये स्वास्थ्य परेशान रहते हैं, शारीरिक कष्ट इनको बराबर रहता है, ज़्यादातर इनको उदर संबंधी चेस्ट सीना संबंधी चेस्ट संबंधी बीमारी होती है, जिसके वजह से फिजिकली ये किसी काम लायक नहीं होते हैं, इनकी बुद्धि हमेशा स्थिर नहीं रहती, चलायवान रहती है, ये किसी भी कार्य पर निर्णय जल्द नहीं ले पाते। जिसकी कुंडली में लग्न से ग्यारहवें भाव में शनि केतु की युक्ति हो, ऐसे लोग आलसी होते हैं, युवा सट्टा की आदत होती है, ऐसे लोग जीवन में कभी आर्थिक मजबूत नहीं होते हैं, हमेशा कर्जे में रहते हैं, कर्जे के कारण इनकी सामाजिक इज्जत प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाती है। जिसकी कुंडली में लग्न से बारहवें भाव में शनि केतु की युक्ति हो, ऐसे लोग के संतान योग्य नहीं होते हैं, ऐसे लोग कमाए हुए धन को गलत जगह बर्बाद कर देते हैं, ऐसे लोग सेक्सी शौकीन विचार के होते हैं, नशेबाज होते हैं, नशा में इनके कमाए हुए अच्छी पैसे बर्बाद कर देते हैं और चौथा पन इनका सुखी नहीं रहता। ये छोटा सा वीडियो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, इसको सुनिए, इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मुझसे संपर्क करिए। अगर कोई मित्रगण अपने कुंडली का विशेष विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरे फ़ोन पर संपर्क करिए, उसके लिए आपको कुछ शुल्क फीस देना होगा, फीस देंगे तो मैं विवेचन कर दूंगा। मेरा फ़ोन नंबर 9425308111 है, इस पर आप संपर्क कर करके मुझसे शुल्क पूछ सकते हैं। इतना करते हुए वीडियो मैं समाप्त कर रहा हूँ, नमस्कार।